दिन हशरद सजदे कर करके तेरे पीर ने रब नु मना लेना है। साडे वर्गे गुनागारा नु साडे वर्गे गुनागारा नु सुन घुट के सीने ला लेना है। दिन हशरद सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना है। उते कुल नबिया जो तू ना करनी बस पीर मेरे ने गा करनी। उते सब नबिया मेरे आका नू उते सब नबिया मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना है। जंदो दिन हशर दे सवाल होणगे आमी साडे आमीना दिलाल होणगे। जंदो दिन हशर दे सवाल होणगे आमी साडे आमीना दिलाल होणगे। ओ जन्नता नु जावेगी सवारी आप दी। ओ जन्नता नु जावेगी सवारी आप दी। अगे 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 हजरते बिलाल होणगे। ओ अगे 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 हजरते बिलाल होणगे आमी साडे आमीना दिलाल होणगे। ओ जेड़े रहिंदे पढ़दे दुरूद आप ते। ओ जेड़े रहिंदे पढ़दे दुरूद आप ते। ओ जन्नतां दे विच मुस्तफा दे नाल होणगे। ओ जन्नतां दे विच मुस्तफा दे नाल होणगे आमी साडे आमीना दिलाल होणगे। जदो दिन हशर दे सवाल होणगे हमी साडे आमीना दिलाल होणगे। हर किस्म दी हमदो सना किबराई बढ़ाई वहदानियत अल्लाह वहदहु दी ला शरीक जात वास्ते लाइकुर जेवर है। रेत दे जर्रात तो ज्यादा पानी दे कतरात तो ज्यादा हवावां दे झोलियां तो ज्यादा अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया अकरमुल अंबिया अजमलुल अंबिया अहसनुल अंबिया इमामुल अतकिया महबूबे रब्बे किबरिया इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना आमीना दिलाल जनाब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस वास्ते। हज़रात अल्लाह ताला दी सड़द खास रहमत अल्लाह ताला दी सड़द करम नवाजी है। अल्लाह ताला दा सड़द बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने सानू साड़ियां मसरूफियात दे अंदरों कढ़ के सानू मोबाइल तो छुटकारा दे करके बर वक्त अपने घर का मेहमान बनाया है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला साड़ा मिल बैठना अकीदत तो मोहब्बत का इजहार करना कुरान नू सुनना और सुनाना अपनी बारगाह इलाही दे अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। हजरात आज इस दौर के अंदर कोई बंदा भी है कोई फकीर है मालदार है आला खानदान वाला है आला कबीले वाला है
उनका ताल्लुक कमजोर खानदान दे नाल है या आला खानदान दे नाल है। हर बंदे की ये कोशिश है, हर बंदा यह चाहता है कि मेरे नाल हर तरफो हर बंदा मेरे नाल भलाई करे, हर बंदा मेरे नाल खैर खाई करे। हजरात, इंसान अपने मुसलमान भाई दे दुख तो तकलीफ तो इतना परेशान नहीं जितना उनके सुख तो परेशान है कि फलां बंदे नूं कामयाबी मिली है, फलां बंदे को बैंक बैलेंस है, फलां बंदियां को बड़ा माल है, बड़ी दौलत है, सिर नूं पीड़ चढ़ जाती है, यारों नूं कामयाबी मिली जाती है, मनु कुछ नहीं मिल रहा। असी अपने भरावां दे दुख तो इतना परेशान नहीं जितना असी सुख तो परेशान। हज़रात, वजह की है, वजह यह है असी ज्यादतियां भी कर लीए, असी जुलम भी कर लीए, साढ़े कोल जो हुंदा कर लीए, अपने भरावां दे रस्ते भी बंद कर लीए, रस्तियां दे अंदर कंडे भी बिछा लीए, लेकिन हर बंदे की कोशिश है जो ज्यादती कर रहा है उनकी कोशिश भी यह है, जो जुलम कर रहा है उनकी कोशिश भी यह है कि लोग मेरे नाल भलाई करन, लोग मेरे नाल खैर खाई करन। मैं ज्यादती कर रहा हूं मेरे नाल कोई ज्यादती ना करे, मैं भलाई कर रहा मेरे नाल कोई भलाई ना करे, मैं लोगों के नाल बड़े जुलमाना हकूक के नाल पेश आ रहा, मेरे नाल लोग भलाई करन मेरे नाल जुलम ना करन। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहानू दुनिया का फलसफा अपना कानून दस देना, हल जजाओ लहसान ही इल्ला लहसान, कि तुसी जो करना है तुहानू उही मिलना है। मुहब्बत करोगे मुहब्बत मिलेगी, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, जुलम करोगे कोई तुहाडे नाल भी जुलम करेगा, ज्यादती करोगे कोई तुहाडे नाल भी ज्यादती करेगा। ला तब्दील अली कलिमात इल्ला, अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने कानून नू बदलन वाला नहीं। ये दुनिया का कानून है, दुनिया का फलसफा है कि जिवें करोगे उवें भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये मेरे अज के मौजू का उनवान है, मजमून है, टॉपिक है, इस वास्ते कि मैं अपने मुआशरे के अंदर इस चीज़ को बड़ी कमी के नाल महसूस किया है, बड़ी कमी है साढ़े मुआशरे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि असी लोगों का भला नहीं चाहते। अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर बड़िया मिसाल दितियां ने, बड़िया मिसाल दितियां ने, मिसाल दे के समझाया है। और लोगों, दुनिया का कानून है, जिमें करोगे उवें भरोगे। अल्लाह फरमाते ने वा औफू बियाहदी ऊफी बियाहदी गुम, जिमें तुसी मेरे नाल वादा किया है मेरा वादा पूरा करोगे मैं तुहाडा वादा पूरा करांगा। दूसरी गल है मदद की गल, अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुसी मेरे दीन दी मदद करोगे मैं अल्लाह करीम तुहाडी मदद करांगा। तीसरी गल मुआफी दी आई है, अल्लाह फरमा रहे ने वल याफू वल यस्फहू, अगर तुसा किसी नूं माफ करोगे मैं अल्लाह तुहानू माफ करांगा। बड़िया ही मिसालां ने, मल्ला यरहमुन नास ला यरहमहुम अल्लाह, अगर कोई इंसान दुनिया से रह करके अपने भाई दे नाल मेहरबानी नहीं करता, अल्लाह फरमांदे ने मेरा ऐलान भी सुन लो, मैं भी उस बंदे दे नाल मेहरबानी दे नाल पेश नहीं आता। इतनी बड़ी गल अल्लाह ताला ने कर दी है, जो कोई इंसान अपने इंसान दे नाल मेहरबानी दे नाल पेश नहीं आता, मैं अल्लाह करीम भी उस बंदे दे नाल मेहरबानी दे नाल पेश नहीं आता। ये दुनिया का कानून है, ये हो करके रहना है, जिमें करोगे उवें भरोगे। बड़े बड़े मकूले सुनने हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, भला कर हो भला, बड़े बड़े मकूले ने, मकूले कोई आम दे नहीं होंगे, बड़ी तहकीक दे नाल मकूले लिखे जाते हैं। हजरात, तुसी बड़े बड़े वाकया सुने ने कि एक औरत है डांस कर दी है, नचण वाली है, एक कुत्ते नूं पानी पिलाया है तो जन्नत मिल गई है। हाँ जी, एक इंसान जा रहा है कुएं दे कोल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस रवायत को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
एक इंसान को बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास दे नाल इंसान टुरदा टुरदा बड़ी मुश्किल दे नाल कुएं दे पहुंचिया है। खूह तो जा करके पानी कढ़िया पीता, पी करके वेख्या एक कुत्ता नु भी बड़ी प्यास लगी है, बड़ी तलखी लगी है, मिट्टी चढ़ रहा है। इनके दिल के अंदर ख्याल आया है, यार मनु इतनी प्यास लगी, मैं बड़ी मुश्किल दे नाल वक्त गुजारिया है, पता नहीं कुत्ते दी की कैफियत है, मेरे वाली कैफियत कुत्ते दी भी होनी है। पानी कढ़िया और कुत्ते नु पिलाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस ते जन्नत वाजब हो गई है। इन्हें एक जानवर का एहसास समझिया, इस जानवर की कैफियत नु समझिया, इस जानवर के नाल भला कीता है। अल्लाह फरमाते ने इन्हें जानवर के नाल भला कीता है, मैं इर नाल भलाई कर दिती है। तुसी रोजे रख लो, नमाजा पढ़ लो, सखाफतां कर लो, अल्लाह फरमाते मैं नहीं ते मुस्कुरांदा। तुसी तहज्जुदां पढ़ लो, मैं नहीं ते मुस्कुरांदा। मैं अपने बंदे ते उदों मुस्कुराना जदों मेरा बंदा अपने मुसलमान भाई दी मुस्कुराण दी वजह बन जाए, अपने भाई बारे एहसास पैदा करे, उनके बारे दिल के अंदर तमन्ना रखे, एहसास ते भलाई पैदा करे। मैं अपने बंदे ते उदों मुस्कुराना। मैं चंद गुजारशा चंद वाकियात इस सिलसिले दे नाल रखना चाहना, तवज्जो मेरी तरफ है। यकीनन साढ़े मुआशरे के अंदर बड़ी कमी है, असी ज्यादतियां तो ज्यादतियां कीती जा रहे हैं, असी हकूक खाती जा रहे हैं, असी जुलम तो जुलम कीती जा रहे हैं, लेकिन सानू एहसास नहीं असी जुलम कर रहे हैं, साढ़े नाल भी जुलम होना है, असी ज्यादती कर रहे हैं, साढ़े नाल भी ज्यादतियां हो रही ने। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल होने वाला कुरान, हल जज़ा उल इहसानी इल्ला अल इहसान। अल्लाह फरमा रहे ने लोगों कायनात वालों, मैं तुहानू दुनिया का कानून समझाना चाहना, मैं अल्लाह करीम तुहानू अपना कानून समझाना चाहना। मोहब्बत करोगे मोहब्बत मिलेगी, प्यार करोगे प्यार मिलेगा, हमदर्दी करोगे हमदर्दी मिलेगी, ज्यादती करोगे कोई तुहाडे नाल भी ज्यादती करेगा, जुलम करोगे कोई तुहाडे नाल भी जुलम करेगा, प्यार करोगे कोई तुहाडे नाल भी प्यार करेगा, अखलाक दे नाल लोगों दे नाल पेश आओगे कोई तुहाडे नाल भी अखलाक दे नाल पेश आएगा। अल्लाह फरमाते ने अगर तुसा मेरे इंसाना दे नाल भलाई की थी, मैं अल्लाह करीम भी तुहाडे नाल भलाई करांगा। मल्ला यरहमुन नास ला यरहमुहुमुल्ला, अल्लाह फरमाते ने मत समझो कि तुसी मेरे इंसानों नू सताया है, मेरे इंसानों के नाल ज्यादती की थी है, मेरे इंसानों के नाल जुलम किया है, तो मैं अल्लाह तुहाड़े नाल भलाई करा, मैं अल्लाह तुहाड़े ते मेहरबानी करा। अल्लाह फरमाते ने तुसी मेरे इंसानों ते मेहरबानी नहीं की, मैं तुहाड़े ते मेहरबानी नहीं कर सकता, तुसी मेरे इंसानों नू सताया मैं तुहाड़े नाल भला नहीं कर सकता। ये अल्लाह का कानून है, दुनिया का फलसफा है, दुनिया कानून है। ला तब्दील अली कलीमा दिल्ला, अल्लाह फरमाते ने मैं अपने कानून नू नहीं बदलदा। सदियां गुजर जान दुनिया इधर दी इधर हो जाए और आग पलट जान, लेकिन मैं अल्लाह करीम अपने कानून नू नहीं बदलदा। या अल्लाह करीम केड़े बंदियां ने दुनिया दे नाल भलाई की दिए, भलाई दे नाल ते खैर खाई दे नाल पेश आए। अल्लाह फरमाते ने जितने मेरे पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए ने, मेरे पैगंबरां ने अपनी कौम दे नाल भलाई की, अपने कौम की खैर खाई की, खैर खाई दे नाल पेश आए, भलाई दे नाल पेश आए। अल्लाह फरमाते ने दुनिया कायनात वालो तुहाड़ी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुसी दुआवां मंग मंगे थक गए हो, तुहाड़ी दुआ कबूल नहीं हो रही। जाओ मेरे किसी इंसान दे नाल जा करके भलाई करो, मेरे किसी इंसान दे नाल जा करके खैर खाई करो, मेरे किसी इंसान का दिल के अंदर एहसास रखो। मैं
अल्लाह करीम तुहाडियां दुआवां भी कबूल कर लवांगा। आ वेख नजारा, अल्लाह करीम ने मूसा दियां दुआवां कबूल कीतियां। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शहर के अंदरों चलदियां जंगलात के अंदरों गुजरदियां बड़े औखे रस्तियां के अंदरों गुजरदियां मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के इलाके के अंदर पहुंच चुके ने। मदीन दा शहर वहीला मदीन अखाहुम शुएबा मदीन शहर दे अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रिहा करते ने। अल्लाह करीम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नू बेटियां अता कीतियां ने बेटा कोई नहीं अता कीता। मूसा मदीन दी सर जमीन ते पहुंच चुके ने। कुरान अपनी बोलियां दे अंदर बयान कर रहा है वलम्मा वरदमा मदीना वजद अलैह उम्मतन मिनन नास यस्कून। मूसा मदीन दे इलाके दे अंदर पहुंच चुका है। हजरत मूसा ने की वेखिया कि मदीन दे अंदर एक बहुत बड़ा कुआ है ते लोग कुएं दे दरमियान मौजूद ने कुएं दे इर्द गिर्द मौजूद ने। लोग कुएं दे अंदरों पानी कड़ कड़ के अपने माल नूं पिला रहे ने अपने रेवड़ नूं पानी पिला रहे ने। सैड ते दो औरतां बैठिया हुई ने दो खवातीन सैड ते मौजूद है वह भी अपने माल नूं लै करके बैठिया ने पानी पिलाने वास्ते इंतजार कर रही ने कि कदों लोग कुएं तो पानी भर के चले जान ते असी खूह दे अंदरों पानी कढ़ के अपने रेवड़ नूं पिलाईए। पानी कढ़न वाला भी कोई एक नहीं को दो नहीं बल्कि अठ दस आदमी इकट्ठे मिल के पानी पिया कढ़ रहे ने। हजरत मूसा नूं बड़ा गुस्सा आया जलाल दे अंदर आए फरमांदे ने ओ मदीन वाले ओ क्या तुहाडे अंदर शर्म नहीं है तुहाडे अंदर गैरत दा जर्रा बराबर भी मादा मौजूद नहीं है क्या तुसी औरत नूं हया दी नजर ते नाल नहीं वेखदे आप तुसी खून दे अंदरों पानी कढ़ रहे हो औरतां तुहाडियां इंतजार दे अंदर बैठियां ने क्या तुहानूं एहसास कोई ना आया क्या तुहाडे अंदर शर्म ते हया कोई नहीं। ए मदीन वाले बड़े गुस्से दे अंदर आ करके आंदे ने ओ अजनबिया मुसाफरा अगर तेनों इन्हां औरतां दा इतना एहसास है त्या करके खुद पानी निकाल असी पसीने दे अंदर चूरों चूर हो गए हां अगर तेनों इतना एहसास है आ करके इन्हां औरतां नूं इन्हां दे औरतां दे माल नूं आ करके पानी पिलाना इन्हां दियां बकरियां नूं पानी पिला कल्ला पानी कढे तेनों पता लग जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं दे कोल गए ने पानी कढ़न लग्यां किथे अठ दस आदमी मिल के पानी कढ़ रहे ने किसे किथे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कल्ले खूह तो पानी कढ़न लगे ने। इधरों मदीन वाले मूसा ते तनस पिया कर रहे ने मूसा ते हसदे पे ने कि असी अठ तो दस बंदे पानी कढ़न वाले हाँ ए अजनबी मुसाफर सफरां दा थकिया आया किवें पानी कढ़ सकदा है किवें खून दे अंदरों पानी कढ़ सकदा है हसदे पे ने। अरशां तो आवाज आई है ओ मुसलमानो तुसां भलाई दा इरादा करो खैर खाई दा इरादा करो मैं अल्लाह करीम तुहाडे अंदर ताकत पैदा कर देना तुहाडे अंदर जोर पैदा कर देना। मूसा दे अंदर देख गई बड़ी जाने हजरत मूसा ने खून दे अंदरों कल्या पानी कढ़ के इन्हां औरतां दे माल नूं पानी पिलाया है इन्हां दे औरतां दे माल नूं पानी पिला के औरतां अपने वापस कबीले की तरफ जा रही ने। औरतां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दियां पकीज़ा बेटियां ने। अल्लाह फरमांदे ने हव्वा तो लै करके ईसा अलैहिस्सलाम दिकर शुएब दियां बेटियां जैसी कोई पकीज़ा औरत जमीन ते कोई नहीं आई। हजरत शुएब दियां बेटियां वापस कबीले जा रही ने। इधरों मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने पेश हो करके अर्ज कर रहे ने या अल्लाह करीमा मैं मूसा तेरा बरगुजीदा बंदा बड़ा सफर करके मदीन दे शहर दे अंदर पहुंचिया मेरे पेट दे अंदर कोई चीज कोई नहीं मैनू भुख बड़ी लगी है या अल्लाह करीमा मेरे खाने का बंदोबस्त कर
कर दे। अल्लाह करीम मैं मूसा गैरत वाला उतनी देर तिकर मैं तेरे को कोई चीज नहीं मंगी जब तिकर मैं मजदूरी ना कर लवा जब तिकर मैं लोगों के नाल भलाई ना कर लवा। या अल्लाह करीम मैं रस्ते के अंदर भी तेरे को खाने का सवाल कर सकदा लेकिन मैं जो भलाई की खैर खाई की चंगयाई की उस वक्त तेरे को खाने का सवाल कर रहा। क्यों खाने का सवाल कर रहा मैं भलाई की मैं पता है तू मैं हूं ना नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते ने मूसा मैं तेरिया दुआवां कबूल कर लिया ने तेरिया दुआवां कबूल कर लिया। ओ मूसा जिथे बैठा है इतने बैठा रहा हिलना नहीं इस अपनी जगह तो नहीं हिलना। मैं तेरे खाने का बंदोबस्त नहीं किया बल्कि तेरा खाने का बंदोबस्त भी कर दिता है ते खाना पकाने वाली का भी बंदोबस्त कर दिता है। मैं तेरे कल्ले खाने का बंदोबस्त नहीं किया खाने का भी बंदोबस्त कर दिता है ते खाना पकाने वाली का भी बंदोबस्त कर दिता है। अल्लाह अकबर। हज़रत शुएब अलैहिस सलाम दियां बेटियां कबीले दे अंदर जा रही ने कबीले दे करीब शुएब दे कन्ना दे अंदर बकरियां दी आवाज पई है रेवड़ दी आवाज आई है। हज़रत शुएब अलैहिस सलाम बाहर निकले ने पुछते ने ओ मेरी ओ बेटी ओ अज बड़े वक्त दे नाल आए हो आखिर वजह की है बकरियां नू पानी पिलाया कि नहीं पिलाया। दीदी अप्पा हुजूर असी बकरियां नू पानी तां पिला करके लैके आए हाँ अज साडी मुलाकात बड़े फरिश्ता सिफत इंसान दे नाल होई है बड़ा अच्छा इंसान है उन्हें मदीन वालियां नू पिछे करके पानी कढ़ के साढ़े बकरियां नू पानी पिलाया है। हज़रत शुएब अलैहिस सलाम दियां बेटियां अपने बाबा नू दस रही ने अल्लाह करीम ने मूसा दियां दुआवां कबूल करके शुएब दे ज़हन दे अंदर गल पा दित्ती है कि मूसा नू बुला करके मूसा नू खाना भी खिला ते अपने बेटी का निकाह मूसा दे नाल कर दे। हज़रत शुएब फरमांदे ने जाओ मेरी ओ बेटियो उस शख्स नू उस मुसाफिर नू मेरे को लै करके आओ जिन्हें तुहाडे नाल भलाई कीती है मैं शुएब उहदे नाल भलाई करना चाहना। मूसा अलैहिस सलाम हज़रत शुएब की खिदमत के अंदर हाजिर होए हज़रत शुएब ने मूसा नू खाना भी खिलाया ते अपनी बेटी का निकाह मूसा दे नाल कर दिता है। अरशां तो आवाज आई है ओ कायनात वालो मैं अल्लाह करीम तुहाडे घर वसाना इस वजह तो कि तुसा लोगों दे नाल भलाई करो मैं तुहाडे घर वसाना इस वजह तो कि तुसी लोगों दे नाल भलाई करो। कित्थों मूसा अलैहि सलातो वसलाम चलदे आ रहे ने चलदियाँ चलदियाँ नहीं सवाल किया भलाई की खैर खाई की तो सवाल किया अल्लाह करीम को या अल्लाह भुख लगी मूसा नूं हुण मजदूरियां कर बैठा इस मजदूरी इस दे बदले मैनूं मजदूरी दे अंदर खाना दे दे। अल्लाह अकबर। ए नबी दा ए अल्लाह ताला दा सोहना पैगंबर है अल्लाह सानूं माल भी दित्ती जांदा है हाँ जी असी भलाई करन वास्ते तैयार नहीं अल्लाह सानू माल भी दित्ती जांदा है असी खैर खाइयां करन वास्ते तैयार नहीं। और मेरे पाक पैगंबर ने अपनी जिंदगी दे अंदर सारी जिंदगी दे अंदर लोगों दे नाल भलाई कीती है सारी जिंदगी दे अंदर लोगों दे नाल खैर खाई कीती है अपने सहाबा की तरबीयत भी एवें कीती है नमाजा पढ़ो रोजे रखो लेकिन एहसास इंसानियत अपने दिल के अंदर पैदा करो। याद रखो तुहाडे अंदर एहसास नहीं है तुहाडे अंदर भलाई करन दा इरादा नहीं है तुहाडा दिल साफ नहीं है। अल्लाह फरमांदा मैं नमाजा भी कबूल नहीं करता मैं तहज्जुदा भी कबूल नहीं करता मैं उमरे दे हज भी कबूल नहीं करता अपना दिल साफ करो ते दिल दे अंदर एहसास इंसानियत पैदा करो। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा साहबी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे अंदर मेहमान आया है मेहमान नू घर दे अंदर लै करके गए ते पुछदे ने अल्लाह वालिए घर दे अंदर कोई खाना मौजूद है कि नहीं मौजूद। अल्लाह वाली अर्ज कर दिए तलहा मेरे घर दे अंदर बिल्कुल सिर्फ दो रोटियां ने ते मैं भी खाना खाना है तुसी भी खाना खाना है तेरे बच्चियां ने भी खाना खाना है। हज़रत
ते तलखाज करते ने अल्लाह वालिए मेरी खैर तेरी भी खैर अज भुख रह रह के गुजारा कर ला अज बच्चियां नू सुला दे ते असी मेहमान नू वापस नहीं मोड़ सकते अरब का दस्तूर है कि मेहमान दे नाल मेजबान भी खाना खांदा है मेहमान दे नाल मेजबान भी खाना खांदा है फरमाया दो रोटियां ने किवें दो रोटियां तुसी दोवें बंदे खाओगे अदरे तलखा हजरत तलखा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह वालिए जो रोटियां मेहमान दे अगे रखे इंज करी ना दीवा बंद कर देवी अंधेरा हो जाएगा मेहमान खाना खाएगा मैं हौले हौले बहाने दे नाल हाथ हिलांदा रवांगा मेरा मुंह हिलदा रहेगा उन्हूं एवें लगेगा कि तलखा मेरे नाल रल के खाना खा रहा है हजरत तलखा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल दोहराया ते रात गुजरी है सुबह दा वक्त होया है अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुलाकात हुई मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलखा नूं वेख करके मुस्कुरा रहे ने तलखा दे दिल दे अंदर ख्याल आया लगता है कि अल्लाह दे पाक पैगंबर मैनूं वेख करके मुस्कुरा रहे ने लगता है कि रात नूं मेहमान दी सही तरह खिदमत नहीं हो सकी खिदमत दे अंदर कमी आ गई है मेहमान नवाजी दे अंदर कमी आ गई है इतना एहसास है दिल दे अंदर इतना भलाई करन दा इरादा है इतना डर रहे हैं मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नबी दे सहाबियां नू घुटने टेके या रसूल अल्लाह माफ कर दियो लगदा है कि रात नू सही तरह मेहमान दी खिदमत नहीं हो सकी अल्लाह दे पाक पैगंबर ने अंज करके दाड़ी मुबारक तो पकड़िया है ओ तलखा मैं तेरे ते इस वास्ते मुस्कुरा रहा रात नू तू जिहड़ा अमल कीता है सारी रात अल्लाह तेरे समल नू वेख करके तेरे ते मुस्कुरांदा रहा है अल्लाह अकबर सारी रात अल्लाह तेरे समल नू वेख करके तेरे ते मुस्कुरांदा रहा है अल्लाह फरमांदा नमाज़ पढ़ लो मैं नहीं जे मुस्कुरांदा तजदा पढ़ लो मैं नहीं जे मुस्कुरांदा रोजे रख लो मैं नहीं जे मुस्कुरांदा मैं उदो मुस्कुराना जो तुसी अपने किसी भाई दे नाल मुसलमान दे नाल भला करदे हो एहसास दिल दे अंदर लै करके आंदे हो मैं उदो अपने मुसलमान ते मुस्कुराना अल्लाह अकबर ए नबी दा सहाबी है दिल दे अंदर एहसास करन दी कितना जज्बा है ओए अपने दिल दे अंदर भलाई करन दा इरादा करो अल्लाह बड़े रस्ते खोल देंदा है हाँ जी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक चटियल मैदान के अंदर मौजूद ने दस्तरखान लग गया है खाना लग गया है खाना खान लगे ने नजरां पै गई चरवाहे ते सामने एक चरवाहा खड़ा है पैरां दे अंदर जुत्ती कोई नहीं सिर ते साफा कोई नहीं पैरां दे अंदर जुत्ती कोई नहीं सिर ते साफा कोई नहीं अरब दे अंदर बड़ी गर्मी होया करती है बड़ी शिद्दत की गर्मी है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया है चरवाहा बकरियां चरा रहा है ते सिर ते साफा कोई नहीं पैरां दे अंदर जुत्ती कोई नहीं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपना खाना चढ़िया इस चरवाहे दे कोल पहुंचे ओ बकरियां चराण वालिया चलिए ना मेरे नाल दस्तरखान ते बैठ करके खाना खा आपां इकट्ठे खाना खा लैने आ आ चलिए पता नहीं कित्थों चलिया ते कि आया तेन भुख लगी होगी यार इतना एहसास है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे दिल दे अंदर साढ़े दिल दे अंदर एहसास क्यों नहीं साढ़े दिल दे अंदर रहम कोई नहीं असी पिंड दे चौधरियां शहर दे चेयरमैन आ असी एम पी एम एन ए असी चौधरियां वडेरियां साड़ियां कोठियां ने असी बर्दाश्त नहीं करते कि साढ़े नाल दस्तरखान ते बैठ करके साढ़े नाल टेबल ते बैठ करके साड़ा मुलाजम खाना खावे साड़ा नौकर खाना खावे और यार मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबां दे अंदर जिंदगी गुजारी है अज तू मुलाजमां नूं हकीर दी नज़र दे नाल वेखना है हकारत दी नज़र दे नाल वेखना है ए अमीरुल मोमिनीन उमर दा बेटा अब्दुल्ला है अल्लाह दे पाक पैगंबर दा सहाबी है ते दिल दे अंदर एहसास किस कदर रहम दिली है यार चलिए ना जा करके दस्तरखान ते बैठ कर के खाना खाने ए चरवाहा बोल करके आंदा है हजरत जी मैं खाना नहीं खा सकता यार तू क्यों नहीं खाना खा सकना है ए जवाब दिंदा है इन्नी सा
हजरत जी मैं रोजेदार हाँ, मैं रोजे की हालत के अंदर आ। इतनी गल की है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने मेरा जिसम कमल जा लग पाया है यार। इतनी गर्मी है अरब की, इतनी शिद्दत नाल गर्मी पै रही है, पैरों के अंदर जुत्ती कोई नहीं, लिबास से टाखियां लगिया हुई ने, सिर ते साफा कोई नहीं, ते रोजे की हालत के अंदर किवें गुजारा करता है। अल्लाह को दुआ पे कर रहे ने या अल्लाह करीमा तेरी उम्मत के अंदर ऐसे मुत्तकी लोग भी मौजूद ने। अज मैं मूसा छोटा, अज मैं अब्दुल्ला छोटा पै गया, ते चरवाहा मेरे तो नंबर लै गया है। आसमान वास्ते अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने मैं इनू आसमाया। सवाल कर रहे ने बकरियां चराण वाले, तेरे कोल इतनियां बकरियां ने, एक बकरी मैनू वेच दे, मैं खरीदना चाहना, जितनी कीमत कवे मैं अब्दुल्ला देने वास्ते तैयार हाँ। ये चरवाहा आंदा हुजूर मैं तानू बकरी नहीं वेच सकता। यार तू क्यों नहीं बकरी वेच सकना है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे सामने खड़ा होकर के चरवाहा कह रहा है, ऐ अब्दुल्ला बिन उमर जी मैं इस वास्ते अपनी बकरी का सौदा नहीं करना चाहता, क्योंकि बकरी का मालक मैं नहीं, बकरी का मैं मालक नहीं हाँ। मालक ओ ए जड़ा बकरियां दा मालक भी है, ते मेरा मालक भी है। मैं उनकी गैर मौजूदगी दे अंदर उनके नाल ख्यानतदारी नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कह रहे ने ओ बकरियां चराण वाले गल सुनना, अगर तेरा मालक तेरे को इस बकरी बारे सवाल करे, अपने मालक नु कोई बहाना लगा दई कि मैं थकिया टुटिया मेरी अख लग गई, ते बकरी नु कोई बेड़िया करके खा गया है, इतना कह देवी मालक तेरे दे इतबार कर जाएगा। इतने बड़ी सोहनी गल की, सोने दे पानी नाल लिखण वाली गल की। फरमांदे चरवाहा अब्दुल्ला बिन उमर जी मैं अपने मालक नु दाला लवांगा, उंदी नजर तो बच जावांगा, लेकिन आई नल्ला आई नल्ला मैं अपने मालक तो बच जावांगा, लेकिन अरशां दे मालक तो किवें बच सकना। मैं अपने मालक को बच जावा, लेकिन अरशा दे मालक को किवें बच सकना, जेड़ा मैनू भी वेख रहा है ते तानू भी वेख रहा है। इतनी गल सुनी अब्दुल्ला बिन उमर रोण जे लग पे, अखां दे अंदर आंसू आए ने, खाना खाण नू भी दिल नहीं कीता, वापस अपने कबीले दे अंदर पहुंचे ने। बड़ी दिन बहुत दो तीन दिन इस चरवाहे दे बारे सोचते रहे, यार ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद ने। दिल दे अंदर तड़पे मैं फिर एक वारी जा करके चरवाहे दे नाल मुलाकात करा, लभना शुरू कर दिता है। लभदिया इस चरवाहे दे कोल पहुंचे ना, चरवाहे दे नाल मुलाकात हुई है, ते चरवाहे दे मालक दे नाल मुलाकात हुई है। मालक को जा करके अर्ज कर रहे ने अब्दुल्ला बिन उमर जी मैं अमीरुल मोमिनीन उमर दा बेटा, मैं तुहाडे कोल सवाल करना, अपना चरवाहा मैनू दे दियो, मैं तुहाडा ए गुलाम खरीदना चाहना, जो कीमत मंगो मैं अब्दुल्ला बिन उमर देने वास्ते तैयार हाँ। इन्हें आके अब्दुल्ला बिन उमर जी मैं तानू चरवाहा बेच दिया, अपना गुलाम बेच दिया, मेरिया बकरियां कौन चराएगा? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हुजूर तुसी अपना चरवाहा भी मैनू दे दियो, ते बकरियां दा सौदा भी मेरे नाल कर लो। सौदा हो गया है, गुलाम भी खरीद लिया, बकरियां भी खरीद लिया। ए गुलाम पुछदा है अब्दुल्ला बिन उमर जी तुसा मैनू की क्यों खरीद आए, असल मकसद की है, तुसा मैनू क्यों खरीदिया मेरे मालक दे कोल? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने ओ चरवाहिया मैं तेनू खरीदिया नहीं, मैं तेनू अपना गुलाम बनाने वास्ते नहीं खरीदिया, बल्कि मैं तेनू खरीद करके आजाद कर दिता है, ते बकरियां दाज तो बाद तू मालक है। मैं तेनू आजाद कर दिता है, तू भी आजाद है, ते बकरियां दा तू मालक बन गया। मैं बकरियां तेनू दे दित्तियां ने। अरशा तो आवाज आई है ओ लोगो अगर तुसी अपने मालक दे नाल लोहां दे नाल भला करो, खैर खाई करो, मैं नौकरां दी जिंदगी दे अंदरों कढ़ के मालक बना देना। अल्लाह अकबर, मैं लोहां दे अंदरों कढ़ के मालक बना देना। यार साबियां दे अंदर इतना जज्बा है, साबियां दे अंदर इतना शौक है भलाई करन दा,
अज कोई उठे तो साहबा इकराम के खिलाफ बोले। हाँ जी अज बड़े बड़े शहरों के अंदर साहबा इकराम बड़े गुस्ताखी होए, असी मुसलमान चुप करके बैठे रहिए। यकीन जानो असी वहाबी भी बन गए, असी सुन्नी भी बन गए, असी बरेलवी भी बन गए, असी देवबंदी भी बन गए, शिया भी बन गए। अफसोस असी मुसलमान नहीं बन सके, अफसोस असी मुसलमान नहीं बन सके। असी मुसलमान बनते साढ़े दिल साफ होया करते, साढ़े घरां दे अंदर लड़ाइयां नहीं होया करदियां। असी मुसलमान होंदे किसी की जुर्रत ही नहीं है साहबा इकराम बारे गुस्ताखी करन दी। याद रखो मुसलमान दे बच्चे बच्चे दे जिस्म दे अंदर जब जिगर खून दा आखिरी कतरा भी बाकी है। असी साहबा इकराम दी असमत नु बयान करते रहांगे, साहबा दी असमत दा दिफा करते रहांगे। मैं फिर मोहब्बत दा इजहार इस तरह करना चाहना। साहबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए, साहबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए, कि तेरा भी रब की जन्नत में महल तैयार हो जाए। ओ नबियों में रसूलों में मोहम्मद ही चुनीदा है, ओ नबियों में रसूलों में मोहम्मद ही चुनीदा है। साहबा भी मिले चुन चुन के ये यार हो जाए, साहबा भी मिले चुन चुन के ये यार हो जाए, साहबा से लगा यारी के बेड़ा पार हो जाए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी भलाई दे अंदर गुजारी, बचपन तो लै करके वफात तिकर किसी ने बुरा आखिया है तो आखिया है, किसी ने तकलीफा दितियां तो दितियां ने, उद कुल बदला नहीं लिया बल्कि उन्हें माफ कर दिता है और नाल भलाई किया है। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलन तो पहला गारे हिरा दे अंदर जा करके रातां बसर करया करदे ने। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद होई है, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जिब्राईल फरमा रहे ने, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी पढ़ो ना इकरा इकरा पढ़ो ना। हज़रत मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं पढ़िया या नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता। इकरा बिस्मी रब्बी कल्लदी खलक, पहली वही मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरी है, सीना भी चाक किया गया। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आए, डरदिया डरदिया जिसम प्या कमर आए, जिसम के अंदर कबकबी तारी है, आ करके फरमाते ने, ओ खतीजा मेरी प्यारी बीवी अज मुहम्मद नु बड़ा डर लग रहा है, अज मुहम्मद दे नाल बड़ी तकलीफ दा मंजर पेश आया है, अज मुहम्मद दा जिस्म कम रहा है, मुहम्मद बड़ा डर रहा है। ओ यार मेरे पाक पैगंबर ते बड़े सबर वाले सन, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े तूफान दे नाल मुकाबला करन वाले सन। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने, खतीजा जमिलूनी जमिलूनी या खतीजा, मेरे ऊपर चादर डाल दे, मेरी कमली मेरे ऊपर डाल दे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने कमली पा दी है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते ने, लगता
लगता है खदीजा आज मैं मोहम्मद आखिरी दिन ने लगता है खदीजा आज मोहम्मद आखिरी दिन इस दुनिया के अंदर है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु दिलासा दे रहीं ने फरमांदियां ने या रसूल अल्लाह तुहाडा तुहानू कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती तुहानू कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि तुसीं अपनी जिंदगी के अंदर हर इंसान के नाल भला कीता है किसी इंसान के नाल जुलम ज्यादती नहीं की किसी इंसान को नुकसान कोई नहीं पहुँचाया तुसीं अपनी जिंदगी के अंदर किसी नाल भी जुलम के नाल पेश नहीं आए बल्कि बड़े प्यारियां बोलियां के नाल पेश आए जे बड़िया प्यारियां बोलियां बोलिया ने अपनी जिंदगी के अंदर 40 साल का सा गुजारे है ते 15 साल मैनू खदीजा नू हो गए मैं अज तक नहीं वेखिया कोई भी बशर तुहाडे नाल नाराज होए इस वास्ते तुहानू कोई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के दे अंदर तशरीफ फरमाने दिल दे अंदर ख्याल आया मैं ताइफ दी वादी दे अंदर जा करके इस्लाम दी दावत दवा। अल्लाह दे पाक पैगंबर सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया अपने गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल लेके चलदियां ताइफ दी वादी दे अंदर पहुंचे ने वादी ताइफ दे अंदर पहुंच करके मेरा पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम दी दावत दे रहा है ओ ताइफ वालियो आओ ना अल्लाह दी वहदानियत नु कबूल करो ओ ताइफ वालियो आओ ना मैं मुहम्मद दी नबूवत नु कबूल करो आओ लात मनात उज़्ज़ा यहूस नसर नु छड़ दियो अल्लाह दी वहदानियत नु कबूल कर लो इस्लाम नु कबूल कर लो मुसलमान हो जाओ ना। हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नु जा करके तबलीग कर रहे ने इरादा है भलाई करन दा इरादा है खैर खाई करन दा मेरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई कर रहे ने लेकिन इन्होंने इन्ना सालिमा ने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कैंकरियां बरसाइया इन्हां कोल जो हो सकता है मेरे पाक पैगंबर दे नाल कीता है। ओ यार मेरा पैगंबर सारे नबियां दा इमाम है मेरा पैगंबर ओए जो दुनिया बनी नहीं अल्लाह ने असमतां पैगंबरां दे अंदर बयान कीतियां ने मेरा पैगंबर ओए जो सैयदुल बशर है इमामे कायनात इमामे आज़म है लेकिन कंकरियां मेरे मुहम्मद दे जिस्म त्यां करके बरस रहीआं ने इतना मुलायम जिस्म है रोई वरगा जिस्म मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कितना हुसीन जिस्म है मेरे मुहम्मद मुस्तफा दा कंकरियां सीने ते लग रहीआं ने जिस्म ते लग रहीआं ने ते खून भी नहीं कर रहा है जमीन ते खून गिर रहा है। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेरे पाक पैगंबर नू नाल लेके सगारा देंदिया एक बाग दे अंदर लै करके गए ने बाग दे अंदर मेरा पाक पैगंबर तशरीफ फरमाए टेक लगा लईए दरख्त दे नाल टेक लगा लईए दरखत दे नाल टेक लगाई ते मत्थे तो खून नु साफ कर देने इधरों फरिश्तियां जरोए एक फरिश्ता करके आंदा है या रसूल अल्लाह तुहाडी तुहाडी इजाजत होए तुहाडे लब खिलावंदी दे रे मैं इस कौम नु मसमार कर दिया एक फरिश्ता करके आंदा या रसूल अल्लाह तुहाडी इजाजत होए मैं इस कौम नु पस्त कर दिया इस कौम नु मसमार कर दिया इरतिया करके अगां आग दी बारिश बरसा लिया। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने नहीं नहीं मैं अपने हुंदियां अपनी उम्मत दे अज़ाब नूं नहीं वेख सकदा मेरी उम्मत दे अज़ाब नहीं आ सकदा बल्कि मेरे पाक पैगंबर बददुआ नहीं कीती बुरा भला नहीं आख्या। अल्लाह दे पाक पैगंबर दुआवां कर रहे ने अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून अल्लाह करीमा इन्हां नूं हदायत नसीब फरमा कैसा दिल है मेरे पाक पैगंबर दा कितना सोहना दिल है मेरे पाक पैगंबर दा कितनी मिठास है मेरे पाक पैगंबर दी जुबान दे अंदर। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने बुरा भला नहीं आखिया या अल्लाह करीमा हिदायत देना इधरों एक आदमी आया जिन्ना नाम मुतमिन दिए आ करके अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरा नाम मुतमिन दिए मैं मुसलमान
शांत नहीं काफिरा मैं तड़ कोले स्वास्थ्य आया चलिए मतन मक्के पहुंचा दिया तुसा इजाजत दो ते मतन अपनी मां आन इमाम दे अंदर जेरे नकरंती दे अंदर मक्के पहुंचा दिया अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमा रहे ने ओ मुतीम अगर एक काम कर देवे अगर इतना काम तू मेरा कर दे मैं तेरा एहसान कभी जिंदगी दे अंदर नहीं भुल सकदा मैं तेरी भलाई कभी जिंदगी दे अंदर नहीं भुल सकदा इन्हें मेरे पाक पैगंबर नु नाल ले आए वादी ताइफ दे अंदर नंगदियां नंगदियां मुतीम मिलान कर रहा है ओ ताइफ वाले ओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मैं मुतीम दी जेरे नगरानी दे अंदर आन मान दे अंदर आए किसी की जरूरत है मेरे मोहम्मद नु अख चुप के वेखे मैं उनकी अख न कट दया अपने हाथ बढ़ाए मैं उनके हाथ न कट दया अपने कदम बढ़ाए मैं उनके पैर न कट दया इतनी जोश के नाल तकरीर की मुतीम बिन अदी ने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मक्के दे अंदर पहुंचाया वापस आन लगिया अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ओ मुतीम मैं मोहम्मद जिंदगी दे अंदर कदी भी तेरा एहसान नहीं भुल सकदा कदी भी तेरी भलाई नहीं भुल सकदा वक्त गुजरदियां गुजरदियां जंगे बदर दे अंदर 70 कैदी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद कीते अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ऐलान कीते जिन्ना कोल पैसे मौजूद ने रुपए मौजूद ने इंज करो ना फिदिया दे करके टैक्स दे करके रिहा हो जाओ मैं मुहम्मद रिहा करने वास्ते तैयार हाँ शर्त है कि फिदिया दो टैक्स दो ना अल्लाह दे पाक पैगंबर टैक्स से फिदिया वसूल कर रहे ने एक नौजवान जी आया है अल्लाह दे पाक पैगंबर पुछते ने ओ जवाना तेरा नाम की है आंदा या रसूल अल्लाह मेरा नाम जुबैर है अल्लाह दे पाक पैगंबर पुछते ने तेरे वालिद दा की नाम है फरमाया मेरे वालिद दा नाम मुतीम है ओ मुतीम जिन्हें तोड़े नाल एहसान किया भलाई की थी तनों ताइफ तो लेकर के मक्के पहुंचाया इतनी गल की थी मेरे पाक पैगंबर दिया सोनिया अखियां नम हो गई अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोन लग पे ओ जुबैर तू मुतीम दा बेटा जिन्हें मेरे नाल एहसान किया है जिन्हें एहसान मैं मुहम्मद कदी भी नहीं भुल सकता ओ जुबैर मुतीम ने मेरे नाल भलाई कीती एहसान कीते मैं मोहम्मद ते गवारा नहीं करदा कि मोहम्मद तेरे कोल टैक्स वसूल करे मोहम्मद तेरे कोल फिदिया वसूल करे जा जुबैर मैं तेनू बगैर टैक्स बगैर फिदिये तो रिहा कीते जान लगदे ने जुबैर जुबैर नू वापस बुलाया अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने ओ जुबैर मैं अल्लाह दी कसम उठा करके आना अगर तेरी जगह ते तेरा वालिद मुतीम हुंदा मैं उहदे कहण तो बगैर सारे कादियां सारे कैदियां नू बगैर फिदिये तो रिहा कर देंदा अगर तेरा वालिद मुतीम हुंदा मैं बगैर फिदिये टैक्स तो सारे कैदियां नू रिहा कर देंदा अर्शा तो आवाज आई है ओ लोगों कायनात वालों भलाई कर जाओ एहसान कर जाओ तोड़े मरण तो बाद तोड़े बच्चियां दे नाल भी लोग एहसास दे नाल पेश आणगे लोग भलाई दे नाल पेश आणगे यार मेरे पाक पैगंबर ने भला कीता है यतीमां दा कीता है लेकिन अज दे असी मुसलमान साडे मुहल्ले दे अंदर कई यतीम बच्चे भी मौजूद ने कई मिसकीन बच्चे भी मौजूद ने साडे घरां दे अंदर अनाज खराब हो गया है गन्नम खराब हो गई है फल फरूट खराब हो गए ने लेकिन असी कदी गवारा नहीं किया मोहल्ले के अंदर यतीम बच्चियां नू तलाश करिए मोहल्ले के अंदर मिसकीन लोगों नू तलाश करिए रमजान दिया मदामदे जाओ जा करके तलाश करो अपने मोहल्ले के अंदरों अपने शहर के अंदरों लोग तुहाडे मुंतजिर ने लोग रोजा रखने वास्ते तैयार ने लेकिन कोल खुराक कोई नहीं यार अज असी भी उस नबी दे उम्मती हाँ केड़े मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उम्मती हाँ मक्का दा मौका है सारे लोग
मेरे पाक पैगंबर दे सामने खड़े ने ते काम दे पे ने जिसम दे अंदर कब की कब की तारीए कि अज पता नहीं मुहम्मद ने साढ़े नाल की करना है। अज मुहम्मद ने सारे बदले साढ़े को लेने ने असी मुहम्मद नू बड़िया तकलीफा दितिया ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने ऐलान किया है काला ला तसरीब अलैकुम अल्यौम ओ लोगों मैं अज बदला नहीं लेना चाहता अज माफी दा देने ओ यार उस काफले दे अंदर मेरे पाक पैगंबर दे सामने ओ लोग भी मौजूद सन जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर दे चाचे हमजा नू कतल किया शहीद किया है। ओ लोग भी मौजूद सन जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर दे गले दे अंदर रस्सी लड़काई है। ओ लोग भी मौजूद सन जिन्होंने मस्जिद दे अंदर मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दया करके जड़ी सुटी है। ओ लोग भी मौजूद सन जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर नू 3 साल शेबे अभी तालब दे अंदर रखिया है। मेरे पाक पैगंबर शेबे अभी तालब दे अंदर अपने पेट ते पत्थर बन लेंदे पतियां ते नाल गुजारा करदे। यार ओ लोग भी मौजूद ने जिन्होंने मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी हज़रत ज़ैनब दा हमल साया कीता है लेकिन अल्लाह दे पाक पैगंबर ने भला कीता है ना। जाओ लोगो मैं सारिया नू माफ कीता मैं मुहम्मद दा सर्रा बराबर भी अरादा नहीं है कि तुहाडे कोल बदला लवां। अस भी उस पैगंबर दे उम्मतियां असी अज अपने भैन भाइयों दे नाल सरेआम बाजारां दे अंदर लड़ रहे हैं अपने भैन भाइयों नू सरेआम थाणियां दे अंदर घसीट रहे हैं। यार अज असी अपने भाइयों नू भैन भाइयों नू रिश्तेदारां नू असी जमीन दे चंद टुकड़े की खातर अपने भतीजियां नू अपने भाणजियां नू कतल कर देने। आए दिन हस्पताल दे अंदर केस होंदा है कदी किसे मामे ने कतल कर दिता है कदी किसे चाचे ने कतल कर दिता है। यार किते सांस इंसानियत चले गई है पैसियां दी लालच ना करिया कर वेखिया कर कि मैं लोगों दे नाल एहसास करा लोग मेरी औलाद दे नाल एहसास करनगे। वक्त दा पता कोई नहीं असी कहने यार हुणे फलां बंदे ने मेरे नाल खाना खाधा है ते दुनिया तो चला गया है। यार हुणे मेरी फलां बंदे दे नाल गल होई है ते दुनिया तो चला गया है। वक्त दा पता कोई नहीं वक्त दे बदलण दा पता कोई नहीं लगता आई यतीमां दे नाल पता कर लै आई यतीमां दे नाल भला कर लै खैर खाई कर ला कल तू इस दुनिया दे अंदरों चले जाए तेरे बच्चे भी यतीम हो जाए लो तेरे बच्चियां दे नाल भला करनगे खैर खाई करनगे। एक आखिरी गल सुनाना चाहना ते अपनी गल नू इख्तिताम दी तरफ लैके जाना चाहना। एक बड़े बड़े शहर दा वाकिया है ये वाकिया अखबारों के अंदर भी छाया होया है रिसालियां दे अंदर भी छाया होया लिखिया गया है अखबारों के अंदर। एक बड़े शहर दा वाकिया है कि रोड एक्सीडेंट होया है कार दे नाल कार टकराई है एक नौजवान जा बंदा बड़ा जख्मी है जमीन ते गिर पिया है जमीन ते गिरिया बड़ी बुरी हालत है लोगों ने आ करके उठाया है उठा करके अस्पताल के अंदर लै करके गए रे। मेरा अनुमान है जैसा करोगे वैसा भरोगे दिल ते हथ रख के सुन वाला वाकिया है। लोगों ने अस्पताल के अंदर पहुंचाया सारे डॉक्टर आए आ करके वेखिया है कि मरीज की हालत बड़ी बिगड़ी हुई है मरीज सही हालत के अंदर नहीं है। डॉक्टर ने मुआयना किया है कि दिमाग के अंदर भी सट्टा लग गई ने फलां फलां चीज भी टुट गई। सारे डॉक्टर इकट्ठे हो करके सर्जन दे कोल गए ने जो हस्पताल का बड़ा डॉक्टर है उनकी खिदमत के अंदर हाजिर होए आते ने मरीज आया है बड़ा सीरियस है उन्हें फलां फलां चीज डैमेज हो चुकी है असी फलां फलां ऑपरेशन करना है। इन्हें बुलाया इन्हें दवा हकीम नु बुलाया जाए लेकिन उस लड़के दिलवा हकीम मौजूद नहीं सन एवं मेरे तेरे वर्गे बंदियां ने उठा करके अस्पताल के अंदर लै करके आए। इन्हें क्या है मैं इतने पैसे लवागा तो ऑपरेशन करांगा इतने पैसे रख दोगे तो मैं ऑपरेशन करांगा। लोग आते ने डॉक्टर साहब असी तेरे रिश्तेदार या खानदान के अंदर नहीं असी तेन सड़क तो टुक चुके हैं तो हस्पताल के अंदर पहुँचाया है असी कि इतने पैसे इकट्ठे कर सकने। ये डॉक्टर कहना नहीं जब तिकर इतने पैसे मेरे टेबल पर नहीं आएंगे मैं इलाज शुरू नहीं करांगा मैं ऑपरेशन शुरू नहीं करांगा। ये लोगों ने तरला मारिया है मिन्नत की ने लेकिन डॉक्टर नहीं बनया ये पैसे इकट्ठे कर लग पे। वक्त गुजरता जा रहा है गुजरता जा रहा है
आए, मिनट भी गुजर गए, सेकंड भी गुजर गए, घंटे भी गुजर गए। लोगों ने अपने दोस्तों के अंदरों पैसे इकट्ठे किए, जो पैसे इकट्ठे करके डॉक्टर के टेबल पर रखे ने, इधरों एक डॉक्टर की आवाज आई है, यार फलाना मरीज इंतकाल कर गया, दुनिया तो जा चुकिया है। ए लोग जड़े रिश्तेदार नहीं, खानदान वाले नहीं, अस्पताल के अंदर रोन लग पे ने, वो यार पैसों की लालच वास्तियां ना किया कर। डॉक्टर ने देखिया कि मैं जा करके उस मरीज न जा करके वे करके दया वा, आखिर मरीज न मसला की है, और दिल से हथ रख के सुन वाली गल। डॉक्टर अपने कदम परदा जा रहा है, कदम परदा जा रहा है, एक कदम उठा रहा है, दूसरा कदम उठा रहा है, जो जा करके मैयत न वेख्या, मरीज न वेख्या, डॉक्टर का अपना सगा बेटा है, डॉक्टर का सका बेटा है, सखी औलाद है। डॉक्टर ने अपने बेटे की शक्ल वेखी है, डॉक्टर खुश हो बैठा है। ओ यार असी चंद पैसों की खातर अपनी मां नूं वे देने आ, चंद पैसों की खातर असी नमाज़ नूं छड़ देने आ, असी अपने पैसों की खातर नमाज़े तरावी नूं छड़ देने आ। आना ए डॉक्टर ने अपने बेटे नूं वेखिया है, ओ शाइए ते कहिंदा काश मैं इहदा इलाज शुरू करदा ते मैनूं पता लग जांदा कि मेरा सक्का बेटा है, मैं ते सारे डॉक्टर इकट्ठे कर लेंदा अपने बेटे की जान बचाण वास्ते। अल्लाह अकबर, उन्होंने जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह फरमाते मेरा कानून नहीं बदल सकता, मेरा कानून नहीं बदल सकता, तुसी जो मर्जी कर लो। मेरे पाक पैगंबर ने अपनी कौम दे नाल भला कीता है, आओ भलाई करो, अपने आप नूं एहसास वास्ते पेश करो। मेरे पाक पैगंबर हशर दा दिन होएगा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदों भी अपनी उम्मत की खैर खाई वास्ते अल्लाह दे सामने रोणगे। फिर मैं मुहब्बत दा अंदाज एवें अपनाना, दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना है, साडे वरगे गुनागारां नूं, साडे वरगे गुनागारां नूं सुने घुट के सीने ला लेना है। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नूं मना लेना है, उत्ते कुल नबियां जदों ना करनी बस पीर मेरे ने हा करनी, उते सत नबिया मेरे आका नू, उते सत नबिया मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना है। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला सानू लोहा दे नाल एहसास करन दी तौफीक अता फरमाए, भलाई करन दी खैर खाई करन दा जज्बा अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक दो ऐलानात बड़े अहम ने। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अलफतह के अंदर 130 तलबा इस वक्त पढ़ रहे ने, तलीम हासिल कर रहे ने। अल्हम्दुलिल्लाह सानू एजाज़ हासिल है कि इस महीने डेढ़ महीने के अंदर 20 तलबा ने दस्तारबंदी असी 20 तलबा की कीती है, 20 तलबा ने कुरान को अपने सीने के अंदर सजाया इस महीने डेढ़ महीने के अंदर, और उन्होंने तकरीब भी हुई है, फेसबुक पेज पर लाइव चलाई भी गई है, लोग भी बड़े बड़े लोग भी हाजिर हुए ने। अल्हम्दुलिल्लाह सादा भी बड़ी मेहनत कर रहे ने, बाकी रफका भी बड़ी मेहनत कर रहे ने। अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला सब दिया मेहनत कबूल फरमाए, अल्लाह सारे उस्तादों की मेहनत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला करीबुल्लाह हुसैन साहब ने मुकम्मल शिफा या फरमाए। दो ऐलानात बड़े जरूरी।